एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो मिल्क केक है। ये एक डिज़र्ट रेसिपी है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे आप घर में बनाइए, ये सभी को बहुत पसंद आती है। इसे आप बर्थडे में अगर केक नहीं बनाते हैं तो ये केक ज़रूर ट्राई करें बनाना। तो फ्रेंड्स, इसे हमें कैसे बनाना है चलिए हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, पैन में यहाँ पे मैं 1 लीटर मिल्क डालूँगी। और इसे हमें तब तक कुक करना है जब तक हमारा 1 लीटर मिल्क हाफ ना हो जाए। देखिए, हमारा मिल्क हाफ हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 लिया हुआ है। इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और इसे हम मिल्क में डाल देंगे। धीरे धीरे करके डालना है। ये देखिए, मिल्क में इस तरह से दानेदार होने लगे हैं मिल्क। अब इसमें हम, यहाँ पे मैंने 1 कप शुगर लिया हुआ है, हम शुगर ऐड करेंगे। और इसे हम कंटिन्यूअसली इस तरह से चलाते रहेंगे। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर लिया है, वो हम डाल देंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे कंटिन्यूअसली हमें इस तरह से चलाते रहना है, नहीं तो ये कढ़ाई में चिपक जाएगा। देखिए कितना डार्क होना स्टार्ट हो गया है और ये कढ़ाई को भी इस तरह से छोड़ने लगा है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया हुआ है, टिफ़िन बॉक्स है, उसमें हम इस तरह से घी लगा देंगे चारों तरफ अच्छी तरह से। और इसमें हम मिल्क केक इस तरह से डालेंगे। देखिए, हमने मिल्क केक को बॉक्स में अच्छी तरह से डाल दिया है और इसे हम 2 आवर्स के लिए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए। आफ्टर 3 आवर्स देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब इसे हम नाइफ के हेल्प से इस तरह से इसका कॉर्नर इस तरह से हम निकालेंगे। एक हम प्लेट लेंगे, प्लेट पे इस तरह से हम रखेंगे और उसे हल्के हाथों से इस तरह टैप करेंगे। ये देखिए, हमारा मिल्क केक कितनी अच्छी तरह से शेप में निकल चुका है। अब हम इसकी इस तरह एक एक स्लाइसेस काट लेंगे और ऊपर से हम इसकी पिस्ता से टॉपिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है हमारा मिल्क केक। ये बनाना बहुत ईजी है, बट ये थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इसे आप घर में बनाइए, ये बहुत ईजीली बन जाता है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आई होप फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू।